नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छी सी और अच्छी शुभ सी गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने एक बहुत प्यारी कहानी सुनी और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है और मुझे लगता है हर किसी के ज़िंदगी में काम आने वाली बात है, तो सोचा आपसे भी शेयर करूं। कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि एक बार एक कौवा जो होता है वो बार बार समुद्र से ना अपनी चोंच में पानी भर रहा है और जाके उसी के बगल में जो थोड़ा सा जंगल है वहाँ पे उसको फेंक के आ रहा है। बहुत सारी चिड़ियाओं का एक समूह होता है वहाँ पे और बड़े हैरान होते हैं कि ये करने की कोशिश क्या कर रहा है हमारा कौवा दादा। तो वो जाके उससे पूछते हैं कि दादा दादा तुम ये क्या कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत दुखी भी है और बहुत गुस्से में भी है और बोलता है कि मैं इस समुद्र का सारा पानी खाली कर दूंगा और मैं इसको ना कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो चिड़ियाएं बहुत हैरान होती हैं और पूछती हैं, दादा ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया समुद्र ने आपके साथ। तो कौवा बहुत ही दुखी सा होके बताता है दोस्तों कि मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ खेल रहा था, पानी में नहा रहा था, मज़े कर रहा था और समुद्र की एक लहर आई और मेरे बच्चों को डुबा कर अपने साथ ले गई। अब बताओ मैं कहाँ अपने बच्चों को ढूंढ पाऊंगा इस विशाल समुद्र में, तो इसलिए मैं इसका सारा पानी खाली कर दूंगा। दोस्तों, चिड़ियाओं को बहुत अच्छे से उसकी बात और उसका दर्द समझ में आया और उन्होंने बिना उसे कोई सलाह दिए उसकी मदद करनी शुरू कर दी कि चलो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। उनको ऐसा करते हुए दोस्तों और भी जो वहाँ अलग तरह की चिड़ियाएँ उड़ रही थी दूसरे जाति की, वो सब भी आई, उन्होंने भी देखा और धीरे 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 दोस्तों पूरा समुद्र जो है ना सैकड़ों चिड़ियाओं से भर गया और सब बिना कुछ जाने, बिना कुछ ज़्यादा सोचे, किसी की सलाह लिए, बस वही कर रहे थे जो कौवा कर रहा था, पानी उठाते अपनी चोंच में और जंगल में फेंक के आते। तो दोस्तों इतना मतलब विशाल काय सा वो दृश्य हो गया कि ये बात जो चिड़ियाओं का राजा होता है गरुण, जो कि विष्णु प्रभु विष्णु का वाहन होता है, उनसे भी नहीं छुपी। जब उन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने अपने प्रभु जी से आज्ञा मांगी कि प्रभु जी मुझे आज्ञा दो, मेरे जो सैनिक हैं, मेरी जो प्रजा है वो इतनी परेशान है, इतने दुख से गुजर रही है और देखो कैसे एक दूसरे का साथ दे रही है, तो राजा होते हुए मेरा तो पूरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका साथ दूँ। विष्णु जी जानते थे कि वो समझाने की कोशिश भी करेंगे तो गरुण जी अभी उनकी कोई सुनने वाले नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है गरुण तुम जाओ। गरुण भी चले गए दोस्तों और गरुण का जो एक कर्तव्य निभाना देखकर विष्णु प्रभु जो विष्णु थे वो भी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो मैं भी इनका इनके इस कार्य में इनकी मदद करूँगा। और दोस्तों जहाँ प्रभु विष्णु ने ये प्रण ले लिया कि अब समुद्र को खाली करने में मुझे साथ देना ही देना पड़ेगा, तो पहली बार ऐसा हुआ कि सारे देवी देवता और खुद समुद्र देवता डर गए दोस्तों, क्योंकि वो जानते थे विष्णु एक बहुत ही ज़िद्दी और अपने धर्म को अपने कर्म को निभाने वाले प्रभु हैं और अगर उन्होंने कोई बात ठान ली है तो वो होके ही रहेगी। इससे पहले कि विष्णु जी अपना कोई तंत्र मंत्र या कोई अपना अपनी कला उस समुद्र को खाली करने में दिखाते दोस्तों, समुद्र देवता खुद उनके सामने आ गए, मत्स्य देवता मछली के देवता खुद उनके सामने आ गए और नतमस्तक होकर उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ गए कि प्रभु हमारे साथ ऐसा मत करो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देखो तुमने इनके छोटे छोटे बच्चों को अपने में समा लिया है, तो चलो इनके बच्चे वापस करो और आगे से ऐसा कुछ मत करना कि कोई इंसान या कोई भी पक्षी जानवर इतना दुखी हो जाए कि वो तुम्हारे मतलब तुम्हें तुमसे बदला लेने में आ जाए। समुद्र ने उनसे वादा किया दोस्तों कि अब मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा जब तक कि आप खुद मुझे नहीं छेड़ोगे, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मेरे साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना की जाए, मुझे मैं जैसा हूं मुझे वैसा रहने दिया जाए, लेकिन आज मैं फ़िलहाल आपसे विनती करता हूं मुझे बचा लीजिए। और खुद समुद्र देवता अंदर गए दोस्तों और कौवे के बच्चों को निकाल के लाए और बच्चे उनको सौंप दिए। कहानी बहुत प्यारी थी दोस्तों, यहीं पर समाप्त हो गई, लेकिन इससे हमको सीख क्या मिली। इससे हमें सीख ये मिली है दोस्तों कि कई बारी ना हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और हमें अंदर से खुद बहुत विश्वास होता है उस बात का कि हम तो इस काम को बड़े आराम से कर लेंगे और अगर थोड़ा कष्ट भी होगा तो भी कर लेंगे और हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना उस वक्त नसीहत देने के लिए आ जाते हैं,
हमारी जो ये मानव जाति है ना दोस्तों, मैं सिर्फ अपने देश के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रही हूँ, कि हमारी जो मानव जाति है ना दोस्तों, सलाह देने में बहुत ही परिपूर्ण है, बहुत एक्सपर्ट है, और अननेसेसरी सलाह देती है जहाँ उस सलाह की ज़रूरत नहीं होती। और क्या होता है कि जाने अनजाने आपकी सलाह से सामने वाले का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो आपसे यही विनती है दोस्तों, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सलाह कम दीजिए, और अगर आप अपने सामने किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को कष्ट में देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका साथ दीजिए, उसे सलाह ज़्यादा मत दीजिए जब तक कि ज़रूरत ना हो। तो इस कहानी का नाम था सलाह नहीं साथ दीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।